कचौड़ियाँ मोटी फूली फूली और चम्मच, और ये है हमारी मोटी दाल। तो दोस्तों स्वागत है आपका खाने खिलाने के सफर में। तो भाई इस वक्त पे मैं खड़ा हुआ हूँ पहाड़गंज की तंग गलियों में। तो भाई इस वक्त पे आ रखा हूँ मैं मुल्तान मोट भंडार पे। तो भाई जैसे कि नाम से बिल्कुल स्पष्ट हो रहा है मुल्तान मोट भंडार, भाई पंजाब जो कि इंडिया का एक पार्ट, पंजाब के अंदर मुल्तान जो कि इंडिया का एक पार्ट हुआ करता था, पार्टीशन के बाद अलग हो गया। तो भाई ये वहीं का टेस्ट है जो कि यहाँ पे 70 सालों से लोग ये खिला रहे हैं, अपनी एक लेगेसी मेंटेन करके रखी हुई है। तो भाई मुल्तान एक चीज़ के लिए और जाना जाता है, भाई इंडियन क्रिकेट के मतलब एक 90s के बहुत अच्छे बैट्समैन हुआ करते थे वीरेंद्र सहवाग, जिन्होंने कि 300 रन मारे थे, कहाँ मारे थे, मुल्तान में। तो भाई इसीलिए उनको मुल्तान का सुल्तान कहा जाता था। इसी वजह से भाई शायद ये दुकान भी मुल्तान के सुल्तान के नाम पे हो तो ज़्यादा अच्छी रहेगी, पर ऐसा कुछ है नहीं। चलिए वीरेंद्र सहवाग को भी मैं उम्मीद करता हूँ कि ये कचौड़ियाँ बहुत ज़्यादा पसंद होगी, इसका जायका स्वाद हम अंदर जाके लेते हैं और पता करते हैं कि ये दुकान इतनी फेमस क्यों है, यहाँ के लोगों पर इसका खुमार क्यों चढ़ता है और यहाँ पर इतनी भीड़ क्यों लगती है। चलिए भाई शॉप को 70 साल हो चुके हैं, तो भाई 70 साल की एक लेगेसी इन लोगों ने मेंटेन कर रखी है, और इसी के साथ यहाँ पर इनको एक अवार्ड भी मिल रखा है दिल्ली फूड की तरफ से मोट कचौड़ी के ऊपर। भाई देख लो आर्टिकल की हेडलाइन पढ़ लो, मुल्तान से आई स्वाद की सुल्तान। तो भाई स्वाद जिस हिसाब से जायकेदार होने वाला है, तो भाई इसकी चर्चा अखबारों में भी हो चुकी है, तो भाई बिल्कुल भी मिस ना करें यहाँ पर आना और इस स्वाद को लेना। जिसको भी जायका लेने का शौक है ये जायका ज़रूर वो मिस नहीं करेगा। तो यहाँ पे जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये अंकल जी के सुपुत्र जी है, इन्होंने ये शॉप की शुरुआत करी थी। अंकल जी का नाम है त्रिलोक चंद्र चावला जी स्वर्गीय, और मनोज चावला जी उनके बेटे, इन्होंने ये शॉप की शुरुआत करी थी और एक लेगेसी मेंटेन करी थी, एक स्वाद मेंटेन करा था, और ये स्वाद अभी भी हमें देखने को और चखने को मिलता है यहाँ पर। मुल्तान मोट भंडार का मेन्यू, तो मोट कचौड़ी देख लो भाई, 2500 रुपये की हाफ है, 40 रुपये की फुल है। मोट चावल मिल जाएगा यहाँ पर, मोट 1 किलो 250 ग्राम, अगर आपको सिर्फ दाल ले दी है तो आप दाल भी ले सकते हैं सिर्फ मोट की। हरे मूंग पीली दाल कचौड़ी, तो भाई ये 40 रुपये की है, ये आपको सुबह मिलेगी, ठीक है। यहाँ पर आप दो जायके ले सकते हैं, एक सुबह मॉर्निंग में हरे मूंग पीली दाल के साथ और दूसरा मोट की दाल के साथ शाम दोपहर के बाद। इसके साथ यहाँ पर कढ़ी चावल, राजमा चावल, छोले चावल, वेज चाप चावल, मुल्तानी खट्टी वड़िया, मुल्तानी खट्टा मसाला, अमृतसरी वड़िया, अमृतसरी पापड़, मिनरल वाटर और कोल्ड ड्रिंक, ये सारी चीज़ें। तो भैया से पहले बात कर लेते हैं, सबसे पहले भैया नमस्कार, आपका नाम क्या है? शुभ विक्की। विक्की भैया कितना टाइम हो गया इस शॉप को? चौथी पीढ़ी आई है, तो कितने साल हो गए? 70 साल पुराने, मतलब 70 साल से ऊपर, तो भाई बहुत बड़ी बात है, 70 साल से ऊपर आपने मेंटेन कर रखी है। तो भाई इस मोट कचौड़ी के साइज, बर्तन का साइज मैं देख सकता हूँ बहुत बड़ा है और ये ऑलमोस्ट अभी फिनिश हो चुका है, तो भाई हो गया है। तो भाई ये मोट की कचौड़ियों में आप मतलब कौन कौन सी दालें यूज़ करते हैं आप बताइए ज़रा थोड़ा सा। हरी और मूंग पीली 12 बजे से पहले पहले, और ये मोट की दाल है 12 बजे और ये 12 बजे आप लगाते हैं, तो भाई ऐसा क्यों है, आप अलग अलग क्यों लगाते हैं? शुरू से चलता है ताकि कस्टमर को दो स्वाद मिले। अच्छा, तो भाई इसके अलावा आपके यहाँ की टाइमिंग एक बार बता दोगे लोगों को? 8 से 8 सुबह 8 से 8। और बाकी भाई यहाँ की कचौड़ियाँ जो है उसके अंदर फिलिंग किस चीज़ की जाती है? मूंग की दाल की पिट्ठी की जाती है। और बाकी भाई साहब मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पर कि वहाँ पे आपने एक मसाला भी रखा हुआ जो कि लाइट सा लग रहा है, मसाला भी खट्टा मसाला आपका बनाया हुआ, इसे हम ले जा भी सकते हैं घर पे? अच्छा, तो यहाँ पर हमें एक अंकल जी मिल गए, एक सर जी मिल गए जो कि यहाँ पर 60 सालों से कचौड़ी का जायका लिए जा रहे हैं, मूट की दाल का जायका लिए जा रहे हैं। अंकल जी कितना टाइम हो गया यहाँ पर कचौड़ी खाते हुए? मेरी उम्र 56 साल है, हमारे पिताजी थे, हमारे दादा थे। अच्छा, यहीं पर हम पैदा हुए बड़े हुए, मतलब कहने का मतलब है आप यहाँ पे बचपन से खाते हुए आ रहे हैं? हम खा रहे हैं, हमारे माता पिता पहले उनसे पहले खा रहे थे। अगर हमारी उम्र 56 साल है तो माता पिता की उम्र कितनी होगी भाई? बिल्कुल भाई 70 साल दुकान को वैसे भी हो चुका है। ये तो आपने मैथ्स का सवाल रख दिया हमारे आगे, एजेस वाला। नहीं, तो ये अभी मैं तो यहाँ बहुत कम रहता हूँ, हमारे बच्चे आते रहते हैं, मैं अभी व्लादिवोस्टोक से आया हूँ रशिया से, वहाँ से ही पहले ये खाने के लिए आया। तो मैं एक चीज़ आपसे पूछना चाहूँगा और जानना चाहूँगा, टेस्ट कैसा है इसका? टेस्ट ये आप खा के बताओ ना, हम तो इसके टेस्ट को बुला ही नहीं सकते। मैं इज़राइल रहा, मैं पोलैंड रहा, मैं केन्या रहा, मैं रमल्ला रहा, ठीक है, कितनी जगह मैं
जब भी मैं इंडिया आता हूँ यहाँ। तो भाई लकीली यहाँ पर जो है कचौड़ियों की डिमांड और आ गई है, तो इसी हिसाब से यहाँ पर भाई दोबारा कचौड़े बनाई जा रही है। तो भाई यहाँ पर एक डो बनाया तैयार कर रहे हैं भैया। तो भैया कितने किलो डो तैयार करते हैं आप? है भैया ये हुआ 5 किलो। 5 किलो? तो भैया 5 किलो कचौड़ियाँ और निकाले जा रही है कि ताकि रात के 8 बजे तक चल सके। तो भाई देख रहे हो कितनी मेहनत कर रहे हैं भाई, कुश्ती लड़ रहे हैं इसके साथ भाई। बिल्कुल भाई विजेंद्र सिंह ने इतनी कुश्ती नहीं लड़ी जितनी भाई कचौड़ियों के साथ लड़ रहे हैं घूमते वक्त। मैं देखो तो भाई ये देखो भाई ये है, ये भाई जितना ज़्यादा आप अच्छी तरीके से को गूंदेंगे उस हिसाब से इसका क्रंचीनेस, इसकी कुरकुरापन आएगा। क्यों भाई यही राज है? तो भाई बिल्कुल सही बात है, भाई ने भी हमारी बात को एग्री कर दिया। भाई इस तरफ कट रही है मोट की दाल की जान, हरी मिर्चियाँ भाई। तो भाई ये देख लो भाई काफ़ी सारी काट दी है भैया, और अभी काटेंगे इसमें। तो ये बाबूजी जो है मिर्ची में मसाला डाल रहे हैं, यहाँ का जो मसाला है खट्टा मीठा मीठा चटाकेदार मसाला, और मिर्ची नमक भी डलेगी इसमें। डाल दिए सारे बाकी के मसाले जो कि हमसे छुपा के डाले, हमें नहीं पता क्या क्या डाले। तब चलिए कोई नहीं, इसी से आता है मिर्ची का जायका भाई, इसको पूरा मतलब लगा देंगे इसके अंदर। और दूसरी तरफ भाई भैया ने जो इतनी कुश्ती लड़ने के बाद मैदा तैयार करा था, अब उसको काट के धीरे धीरे अलग कर रहे हैं और इसको गोल गोल बना के उसके अंदर फिलिंग की जाएगी मोट की दाल। तो भाई अब हो गई यहाँ की फिलिंग स्टार्ट। तो भाई मोट की दाल यहाँ पे रेडी है, देख लो भाई बिल्कुल भाई कम कम लगा रहे हैं, पर जब ये बनेगी फूल के तो ज़्यादा ज़्यादा सी लगेगी। और ये बना दिया भाई डो, और इन डो को एक तरफ इकट्ठा कर लेंगे, फिर इस पर ऑयलिंग लगा के रख देंगे ताकि ये डो एक दूसरे में आपस से चिपके ना, इस चीज़ का ध्यान रखा जाता है। कोई भी तलने वाली चीज़ बनाई जाती है, मैदे से बनी हुई चीज़ बनाई जाती है, तो उसमें इस चीज़ का बड़ा ध्यान रखा जाता है ताकि वो आपस में चिपके ना। तो भाई अब आ चुकी है हमारी दाल यहाँ पर भाई पूरी। तो भाई अब इसको बेल के बिल्कुल गर्म तेल की कढ़ाई में डाल देंगे भाई। तो भाई बेलन और चकला भी साथ में लगा हुआ ताकि भूनते हुए साथ के साथ इसको डालते रहे। तो भाई बेलते बेलते गर्मा गर्म जाती रहेगी भाई कढ़ाई में। भाई ये भाई पेड़ा कचौड़ी का, और ये भाई ने बेला और ये गई तेल में। अबे ये भाई ने कचौड़ी को बेला और कचौड़ी गई तेल लेने। तो भाई यहाँ पर ये मुहावरा बिल्कुल फिट बैठता है कि कचौड़ी आपकी गई तेल लेने, वो गई तेल। कितनी देर में हो जाती भाई ये फ्राई? 20-25 दिन में, मिनट में? अच्छा मैं कहा दिन कह रहे हो यार, मैं कहा यहीं पे हमें टेंट वेंट लगा के बैठना पड़ेगा। तो भाई ध्यान से देखिए इस भाई को जो कचौड़ी को घुमाए जा रहे हैं इस बवंडर में। तो भाई इतना घुमाया जा रहा है, इतना घुमाया जा रहा है, कचौड़ियाँ बॉलों की तरह फूल जाती है इसके अंदर। तो भाई कितनी कचौड़ी आती है एक बार में इसमें कढ़ाई में? 100-125 कचौड़ी। तो भाई साइज देख के तो लगता नहीं है, पर 100-125 कचौड़ी अगर भैया इतने कॉन्फिडेंस से बोल रहे हैं तो लगता है आ ही जाती होगी। क्योंकि एक काम कर, तू एक एक करके निकाल के गिनना शुरू कर भाई, इसके बाद मैं बिल्कुल गिनूंगा, पर मुझे डर लगता है इसीलिए मैं नहीं गिनूंगा। तो एक आध मिनट का मामला और है, और यहाँ पे हमारी सुनहरी जल परियों जैसी कचौड़ियाँ जो समुद्र रूपी इस तेल में से निकल के तैयार हो जाएगी हमारे प्लेट के लिए, प्लेटिंग के लिए, है ना? ओके मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हो हमारी फाइनली ये कचौड़ियाँ तैयार हो गई हैं जिसमें दाल की फिलिंग करी गई थी, और अब ये तैयार है मोट की दाल के साथ मिलन करने के लिए। और तरीके से गर्मा गर्म एकदम चमकती हुई सुनहरी कचौड़ियाँ बड़ी वाली कढ़ाई से लेके इस झरने में डाली जा रही हैं। तो ये हैं भाई वो कचौड़ियाँ जिनका इतनी समय से हमें था इंतज़ार, वो घड़ी अब आ गई है। तो भाई हमने अपना लगवा लिया भाई, पुराने यहाँ पर डोने यूज़ करते हो जो पत्तों से बनते थे, और भाई हल्के से डाल दिया भाई ने राइस, और ये अपना डाल दिया मसाला जो कि वर्ल्ड फेमस है, और अपना आ गया प्याज, और ये कौन सी चटनी भैया? चटनी इमली की चटनी, इमली की चटनी आ गई, और फिर आ गया अपना मसाला। और भाई ये धाप के पत्ते भाई जो कि मतलब बहुत ज़्यादा पुराने हैं, उन पत्तों में ये सर्व किए जाते हैं ट्रेडिशनल तरीके से भाई। तो भाई परफेक्ट बिल्कुल एक ऑथेंटिक टेस्ट यहाँ पे हमें देखने को मिलने वाला है। तो भाई ये लग चुकी है हमारी दो कचौड़ियाँ मोट की फूली फूली, और चम्मच, और ये है हमारी मोट की दाल। तो दोस्तों फाइनली लग चुकी है अपनी मोट वाली कचौड़ी। तो भाई ये देख लो कचौड़ी का साइज, तो भाई एक प्रॉपर क्रिकेट की बॉल होती है ना टेनिस, वही साइज़ है एग्जैक्ट। तो भाई फूली फूली गर्मा गर्म कचौड़ी, अभी अभी लास्ट लॉट निकला है, तो काफ़ी क्रिस्पी भी है और खस्ता भी है।
तो भाई देख लो ज़रा इसके अंदर की दाल की फिलिंग भाई, ये है भाई यहाँ की दाल की फिलिंग, तो अच्छी क्वांटिटी में कर रखी है, इसका पोस्टमार्टम तो हो चुका है। और दूसरी चीज़ सेक्शन में जैसे ही हम आते हैं, यहाँ पे जो वर्ल्ड फेमस है मुल्तान की फेमस मोठ की दाल, तो भाई मोठ की दाल में हमको मिली है सबसे पहली तो एक मिर्ची जो कि हम साइड निकाल देते हैं, इसके अलावा अपने पास है भाई देखो प्याज, और ऊपर से डली पड़ी है इमली वाली चटाकेदार खट्टी मीठी चटनी, और भाई ये थोड़े से राइस डाल रखे हैं, और भाई इसके नीचे जैसे लेरिंगा पटाओगे तो भाई ये मिलेगी आपको मोठ की दाल प्योर। तो भाई ये है यहाँ का टेस्ट, ये इसको खाने आए हैं भाई हम, इसको आज हम कवर करने आए हैं। तो भाई चखते हैं इसका जायका, ले लेते हैं, रुका नहीं जा रहा भाई बिल्कुल भी, क्योंकि भूख बहुत ज़्यादा तेज़ लग रही है, शाम का टाइम हो चुका है, चलते चलते हमें भी शाम हो गई है। तो भाई लगा लेते हैं अपना मोठ की दाल। तो भाई ये दोस्तों, जो एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो खाने खिलाने का हमारा सफ़र है, ठीक है, तो भाई जब तक आप इन जगहों पे जाकर जायका नहीं लोगे तो पता नहीं लगेगा आपको यहाँ का टेस्ट क्या है। तो चलिए इसी चीज़ के साथ इसको टेस्ट कर लिया जाता है। तो भाई टेस्ट देखा जाए तो भाई बिल्कुल मसालेदार टेस्ट है, इमली का फ्लेवर बहुत ज़्यादा निकल के आ रहा है, क्योंकि ऊपर से जो चटनी डाली है ना इमली की खट्टी मीठी, उसका भाई टेस्ट बिल्कुल निकल के आ रहा है। मोठ बिल्कुल सिंपल है, और जो ये मसाले यूज़ कर रहे हैं ना वो बिल्कुल लाइट मसाले हैं, जो कि चटाकेदार मसाले हैं, खट्टे मीठे मसाले नहीं होते, सेम वही मसाले हैं। अगर नीचे से मैं दाल लूँ ना, अगर मैं नीचे से दाल लेता हूँ तो जहाँ पे मसाले नहीं पहुँचे हैं वो दाल बिल्कुल सिंपल है, और इसी के साथ अगर मैं ऊपर से दाल लेता हूँ यहाँ से, तो भाई इसके ऊपर इमली की चटनी भी डली हुई है, इसके ऊपर सारे मसाले भी डले हुए हैं, जो भी इनके स्पेशल मसाले हैं, जो भी ये मसाले यूज़ कर रहे हैं, ये मसाले आप ले जा भी सकते हैं घर पे। यहाँ पर एक बहुत अच्छी बात लगी मुझे, खट्टा मसाला, खट्टा मसाला, टेंगी मसाला, चटपटा मसाला, जिंदगी तो, का मज़ा तो खट्टे में ही है। तो भाई इसी के साथ, यही स्लोगन के साथ भाई, ज़िंदगी का मज़ा तो खट्टे में है, जैसे कि गुलचन ग्रोवर जी ने बोला है, तो ये स्वाद ज़रूर लेने आइएगा अगर आप पहाड़गंज की गलियों में आते हैं। तो भाई वीडियो बहुत ज़्यादा अच्छी रही, ठीक है, टेस्ट मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, गर्मा गर्म कचौड़ियाँ खाने को मिली, गर्मा गर्म मोठ की दाल खाने को मिली। तो भाई आते वक्त यहाँ की टाइमिंग ज़रूर ध्यान रखिएगा। तो भाई कचौड़ियाँ मुझे इतनी ज़्यादा अच्छी लग गई है, यहाँ की, तो मैंने अपने दोस्तों यारों के लिए पैक कराने का भी फैसला कर लिया है। तो भैया को मैंने बोल दिया यहाँ पे 6 प्लेट पैक कर दे, वो भी मसाला डाल के अच्छा वाला। तो भैया बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो भाई हमने करवा ली अपनी कचौड़ियाँ पैक दोस्तों यारों के लिए। तो इसी के साथ भाई हमारे चैनल से जुड़ते रहिए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और मिलते हैं आपको ऐसी एक और चटाकेदार वीडियो के साथ। जब तक के लिए बाय बाय, चटाका, गुड नाइट।